News 18, India. एमएसपी क्या होता है प्रदीप जी, सुनिए रुकिए, आपको पता ही नहीं है एमएसपी क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सुनो प्रदीप जी सुनो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कम से कम लागत मूल्य तो मिले हमें, ठीक है। आजकल किसान अनपढ़ नहीं रहे, आप लोगों की सोचिए किसान है। हाँ बिल्कुल, ये किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता क्या? पहन सकता है, मैंने पूछा बस, आप नाराज ना हो। आप इनकी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सोच ये है किसान फटी धोती में हो ना। किसान सबसे महंगी सी महंगी जैकेट पहन के आएगा, समझ लीजिए सबसे अच्छी बात है। और किसान को राइट है, किसान के बेटे को भी राइट है पहनने का अच्छे कपड़े, अच्छे दिखने का, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बाबूजी आया मैं, जी जी जी, हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते सर। मेरा ये सर रिजर्व, लड़ाई नहीं संदीप, लड़ाई नहीं, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए सर। हाँ? रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्या रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? कौन चीज? जो नौकरियों में मिलता है भैया। संदीप तुमसे ज्यादा गहरा सवाल आ गया, और भैया ने सवाल पूछा कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान जोधपुर। क्या नाम? वीरेंद्र। क्या सवाल? रिजर्वेशन खत्म होना। ये मेरा भैया ताप नहीं है कि इस सवाल को मैं यहां ले पाऊंगा भी, ना 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 ना, मेरे ताप तो नहीं है। ये बड़े बड़े नेता नहीं जब जेल पा रहे हैं तो मैं क्या हूं पिद्दी पिद्दी का शोरबा। हाँ लेकिन आपके माध्यम से ये बात आनी चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म गारंटी आपने दी थी पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन। रुकिए साहब, संदीप जी संदीप जी बार बार एक ही चीज को कहने से वो बात छोटी हो जाती है जी। मेरा कहना ये है इस देश के, बिल्कुल रिजर्वेशन पे, भैया भैया इधर देखो, रिजर्वेशन पे बहस करेंगे, जल्दी बहस करेंगे। बात सवाल इस पर नहीं होगी कि खत्म होना चाहिए, बात यह होना चाहिए कि लोग, रुको, लोगों को किस तरह से रिजर्वेशन मिला है, जातिगत जनगणना का आधार क्या है, इस पर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे बात जी। मेरा कहना है इस देश को यह समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह लेना है, हम इसे भावना बनाकर उसके ऊपर जिंदा है, हमें अगर एग्रीकल्चर बिजनेस की तरह तो अपना लाभ देखें। अरे भाई किसानों पे तो ज्यादा ध्यान नहीं, उधर तो सर्विस सेक्टर पे जा रहे हो आप। देखिए एग्रीकल्चर पर पूरा ध्यान है सरकार, इकोनॉमिस्ट कहते हैं सर्विस सेक्टर ज्यादा बढ़िया है, फायदेमंद है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सरकार के क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं बनी है, लेकिन फर्क यह किसान उसको एडॉप्ट नहीं करना चाहता, एक अच्छी पॉलिसी लेके आए थे। किसान किसान सब अच्छा करना चाहता है, किसान सारे चीजें अच्छा करना चाहता। रुको मैं संदीप जी जी सर, मेरा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शिवा छिब्बर है। शिवा छिब्बर छिब्बर, कल आएंगी, ये कल आएंगी, कल बोलेंगे, आज थोड़ा ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा बोलता है आदमी जी। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। हाँ। सर अभी सारे सवाल कांग्रेस से ही पूछते हो तुम? नहीं सर, अभी थोड़ा ऐसे है कांग्रेस का पूछो, थोड़ा पूछो, पूछो। हाँ जी सर, सर ऐसा है कि कांग्रेस ने अभी तक राम मंदिर का मुद्दा जो बनाया सर, उसमें उसके बाद जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो इनके क्रेडिट लेना भी शुरू हुआ कि जी हम भी राम भक्त हैं। अब तो जैसे मथुरा का मंदिर आ रहा है, तो अभी ये सपोर्ट कर रहे हैं या बाद में सपोर्ट करेंगे जब मंदिर? देखो बेटा इस मुद्दे को मैं नहीं ले रहा, क्या काम करते हो? सर मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। लॉ की पढ़ाई करो ध्यान से कायदे से, और जब ये मुद्दा कोर्ट में आए तब सुनना, सब दलीलें देना, अभी नहीं, मैं पढ़ाई दिमाग लगाओ अपना जी जी। कांग्रेस से ना पूछो जी। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि जो दिल्ली के एजुकेशन अफसर जो अभी मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री अभी जो जेल गए हैं, वो अभी कहाँ इतने दिन हो गए, मतलब जेल गए हैं जो, वो विदेशी जमानत नहीं हो रही, विदेशी वाली दारू पी के गए थे? बकवास बकवास बकवास। नहीं आई वोंट टेक इट, बिल्कुल नहीं लूंगा मैं ये सवाल, नहीं लूंगा बिल्कुल सवाल नहीं लूंगा। आपके माध्यम से मैं सरकार के जो भी बंदे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक देश एक विधान एक संविधान, तो पेंशन दो क्यों? नेताओं को ओपीएस और सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस क्यों? अगर इतना ही अच्छी एनपीएस है तो सरकारी जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो क्यों नहीं लेते हैं? और एक बार बनेंगे, दो बार बनेंगे, चार चार बार लेते हैं, और सरकारी कर्मचारियों को एम्प्लॉयर को देने में उनका मतलब बहुत। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रेमचंद यादव। प्रेमचंद यादव जी ने जो सवाल पूछा उसी सवाल में जवाब भी छुपा है, जवाब छुपा हुआ है। और उन्होंने कहा कि भाई आप न्यू पेंशन स्कीम को बात कर रहे हैं, हम तो ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये मुद्दा एक बार फिर आएगा, अभी चुनाव में फिर आएगा जी। क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। यही माथा टिकले रहो, अब कल आएगा चांस।
मैं एक बात कहना, दो तरह की पढ़ाई करते हैं, एक अच्छे के लिए एक बुराई की, पढ़ाई एक होती है। मैं आज एक बात कहना, माइंड से सोचो, सुनो माइंड से सोचो, तुम्हारे घर में कहां से सोचते हैं लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से अगर बेरोजगारी पे, रोजगार के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे अगर चुनाव लड़ ले, वो 400 क्या 40 सीट जीत के दिखा दे, मैं गारंटी लेता हूं 15 दिन तक भंडारा यहीं करूंगा। ये मुद्दा देखो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। क्या नाम है बाबू? मनोज पंडित। भंडारा कई दिन का कराओगे? 15 दिन का भंडारा। वक्त आज अभी, बस सिर्फ इतना।